गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों अगर आपके बच्चे में भी कॉन्सेंट्रेशन की कमी है तो फिर कुछ चीजों का ध्यान रखें। इन टिप्स से आपका बच्चे का ध्यान भी नहीं टूटेगा और वह मन लगाकर काम कर सकेगा। तो चलिए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। नंबर एक, ब्रेकफास्ट में साबुत अनाज की बनी चीजें। दोस्तों आपका बच्चा किसी काम पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके शरीर को पूर्ण आहार नहीं मिल पा रहा है। इसे पूरा करने के लिए आप बच्चों को साबुत अनाज का नाश्ता दें। चाहे तो आप नाश्ते में ब्राउन राइस और बाजरे से बनी चीजें भी दे सकते हैं। ब्राउन राइस पोहा खिला सकते हैं। साबुत अनाज को नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसकी मदद से उन्हें दिन भर भूख नहीं लगेगी और पूरे दिन दिमाग को एक्टिव रख पाएंगे। नंबर दो, शुगर को कहें ना। दोस्तों जब बच्चे घर से बाहर होते हैं या बाहर खाते हैं तो फिर आप उनकी बॉडी में शुगर लेवल को चेक नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप उनकी शुगर क्रेविंग्स को घर पर ही दूर कर दें। इसके लिए आप बच्चों को शुगर से बनी चीजें खिला सकते हैं और साथ में बाहर की शुगर से होने वाले नुकसान से भी उन्हें बचा सकते हैं। आपका बच्चा रोजाना जो खाता है उसमें भी आप कुछ बदलाव कर सकते हैं और शरीर में शुगर की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर तीन, बच्चे को भूख लगे तो दे उनको ये चीजें। दोस्तों आलू के बजाय आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग वाली अन्य चीजें खिलाएं, जैसे कि शकरकंदी। इसे आप चिप्स भी बना सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे को अरबी खाना पसंद नहीं है तो आप उससे अन्य स्वादिष्ट चीजें बनाकर दें। इसके अलावा बाकी फ्रूट्स खिलाएं। दरअसल फ्रूट्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर वह नहीं खाते हैं तो उन्हें जूस बनाकर दे दें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।